हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रोशन और अभी तो बहुत ज़्यादा ठंडी है, बहुत तेज़ की ठंडी लग रही है। तो इस मौसम में चलिए आज सौंठ बनाते हैं। सर्दी का लड्डू भी बोलते हैं, सौंठ का लड्डू भी बोलते हैं और सठौरा भी बोलते हैं और अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो चलिए पहले इसकी तैयारी हम कर लेते हैं, क्या क्या है इसको तैयार करने के लिए। ये काजू मैंने लिया है, इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। और ये मूंगफली के दाने हैं, इसको ऐसे ही सूखा ही भुनेंगे, इसमें ऑयल या घी का यूज नहीं करेंगे। फिर एक है ये तिल है, इसको भी ड्राई रोस्ट करेंगे। तो चलिए इसको रोस्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर दिखाते हैं। तो कढ़ाही गर्म हो रहा है, गर्म होने के बाद अब हम इसमें ये काजू डाल देते हैं, थोड़ा सा रोस्ट करते इसको भून देते हैं। इस तरह से ये मूंगफली के दाने को देखिए हमने ये कढ़ाही में डाल दिया है, यह भून रहा है। देखिए चटकने की आवाज़ आ रही है, इसका पूरा छिलका ऐसे रोस्ट करने के बाद निकल जाता है। हम आपको दिखाएंगे किस तरह से इसका छिलका निकलता है। अब ये भून चुका है, अब इसको निकाल लेते हैं। अब इसमें हमने ये तिल डाल दिए हैं, ये देखिए किस तरह से चटक रहा है। कढ़ाही गर्म है इस वजह से बहुत तेज़ी से, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी भुन जाता है ये, बस थोड़ी देर में भुन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। ये देखिए तैयार हो गया है, अब इसको भी हम निकाल देते हैं। ये मूंगफली के दाने ये थोड़े ठंडे हो गए हैं, आप देख सकते हैं ये किस तरह से छिलका इसका निकल जा रहा है। इस तरह से हाथ से मसलने के बाद ये सारा छिलका निकल जाता है, इस तरह से देख सकते हैं आप। एक हाथ से या दोनों हाथ से इस तरह से करके सारा छिलका हटा दें, और आप टुकड़ा टुकड़ा में डालना चाहें तो इस तरह से डाल सकते हैं, नहीं तो मिक्सी में थोड़ा हल्का चला दें, दरदरा पीस लें तो अच्छा रहता है। मैं थोड़ा दरदरा पीस ले रही हूँ, तो फिर पीस कर दिखाते हैं। ये मूंगफली के दाने को मैंने इस तरह से दरदरा पीस लिया है, इस तरह से देख सकते हैं। और ये काजू को भी मैंने इस तरह से पीस लिया है मिक्सी में। ये तिल है जिसको मैंने फ्राई किए सूखा हुआ भून लिया था, और इसमें डालने के लिए ये किशमिश मैंने इतना लिया है, और ये नारियल खोपरा जिसको बोलते हैं, ये नारियल को मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें 1 केजी आटा लेंगे और 1 केजी ही गुड़ लेंगे। अब गुड़ को तोड़ लीजिए अच्छी तरह से ताकि पिघलने में कोई दिक्कत ना हो। ये दोनों बराबर बराबर गुड़ और आटा को बराबर ही लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कढ़ाही मैंने चढ़ा दिया है, इसमें घी मैंने डाल दिया है, अब इसमें आटा भूनेंगे। ये आटा मैं डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा ही डालूँगी, ज़्यादा एक बार में नहीं भूनूँगी। और कम घी में ही इसको भूनेंगे, जल्दी ऐसे भून जाता है। ज़्यादा घी डालने के बाद ये बहुत लेट लगता है, और जितना कम डालेंगे उतना कम में ये भून जाता है।
तो एक लिमिट तक ही घी या तेल का यूज करना चाहिए। मैं इस तरह से मैं दो बार में आटे को मैं भून लूँगी, एक बार में नहीं होगा। तो देख सकते हैं ये आटा भून रहा है, इसको ऐसे चलाना पड़ता है, नहीं चलाने पर ये जल जाएगा। अब ये ब्राउन हो चला है, तो इसी तरह ब्राउन होने के बाद हमारा आटा ये भुन जाता है। तो चलिए इसको पलट देते हैं, निकाल देते हैं इसको अलग बर्तन में, और फिर और आटा जो है उसको भून लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो घी गर्म हो रहा, अब मैं किशमिश को भून लेते हैं। बहुत जल्दी भुन जाता है। अब इसमें हम नारियल भी डाल देंगे, क्योंकि ये हमको ज़्यादा देर तक भुनना नहीं है। अब इसको निकाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये बस थोड़ा सा ही हमको फ्राई करना है। अब घी गर्म हो रहा है, अब इसमें हम हल्दी डालते हैं। ये मैं इस चम्मच से एक चम्मच में हल्दी डाल रही हूँ। ये थोड़ा सा भून लेंगे इसको, फिर इसमें ये सौंठ, अदरक का सूखा पाउडर एक चम्मच, और ये हाफ चम्मच मैं इसे डाल रही हूँ। आप अगर न्यू मदर के लिए बना रहे हैं, या जिनको ज़्यादा ठंडी का असर हो जाता है, घुटने बदन में दर्द होता है, उनके लिए ये ज़्यादा डालकर बना सकते हैं, सौंठ का जो पाउडर होता है। और मैं ऐसे ही बना रही हूँ तो थोड़ा कम डाल रही हूँ। ये मेरा भून चुका है, अब मैं पलटती हूँ और दिखाती हूँ। इस तरह से देख सकते हैं, ये थोड़ा सा बस भुनना रहता है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये मैं इसमें जो अभी हल्दी और ये सौंठ पाउडर मैं पकाई थी उसको मैंने डाल दिया है। ये किशमिश है, और मैं जितने भी ये ड्राई फ्रूट्स हैं मैं सबको डाल दूँगी। आपको जो भी पसंद हो, जितना कम या ज़्यादा कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स में। मैं इन सारी चीज़ों को इसमें मिला दे रही हूँ। ये इस तरह से मैं मिक्स कर दे रही हूँ। इसके बाद अब हम गुड़ का पाक करेंगे, गुड़ पकाएंगे। ये इस तरह से, तो चलिए देख लेते हैं। तो ये गुड़ मैंने डाल दिया वही कढ़ाई जिसमें मैं सबको भूंजी थी, फ्राई की थी, वही वाला कढ़ाई में मैं गुड़ को भी डाल दी। और इसको मैं पिघला रही हूँ, थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालती हूँ, थोड़ा सा। ये इतना मैंने पानी लिया है, बिल्कुल थोड़ा सा हम डालेंगे बस इसको पिघलाने के लिए। और इसको स्लो फ्लेम पे इसको हम पकने देंगे, पिघलने देंगे। ये धीरे धीरे पिघलेगा। इस तरह से पूरा पिघल जाएगा धीरे धीरे।
देख सकते हैं ये गुड़ पिघल गया और इस तरह से पक रहा है। अब पानी में हम चेक करते हैं तैयार हुआ है या नहीं। अब तैयार हो गया है। अब थोड़ा सा इसमें हम घी डालते हैं। घी से इसका लड्डू बनाने में बहुत आसानी होगा, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा घी डाल रही हूँ और खाने में भी टेस्टी लगेगा। ये तैयार है, अब हम इसको बंद करते हैं। इसमें हम डाल रहे हैं अब इसी में पूरा मिक्स करेंगे डाल करके। इस तरह से और इसको जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे। इसमें हमने 250 ग्राम घी डाला है, आप भी थोड़ा बहुत ज़्यादा डाल सकते हैं। वैसे ज़्यादा घी मैं नहीं डालती हूँ, इतना में अच्छा बन जाता है। देख सकते हैं पूरा मिक्स हो गया, ये पूरा मिक्स ऐसे ही करना है। देखिए पूरा मिक्स हो गया है, अब ठंडा भी हो गया। ज़्यादा इसको ठंडा नहीं करना है, बस जल्दी जल्दी मैं इसको लड्डू बना देती हूँ। अगर ठंडा हो जाएगा तो फिर लड्डू नहीं बनेगा। तो अगर ठंडा भी हो जाए तो थोड़ा सा घी गर्म करके आप डाल सकते हैं या इसको थोड़ा सा गर्म कर सकते हैं, आपका लड्डू बन जाएगा। अभी भी गर्म है, मैं इस तरह से मैं लड्डू बना ले रही हूँ। हाथों की मदद से पूरा दबा कर ऐसे बनाएं, छोटा भी बना सकते हैं बड़ा भी बना सकते हैं, ऐसा इस तरह से। मैं दोनों हाथ से बना रही हूँ, जल्दी जल्दी मेरा बन जाए, ठंडा ना हो। तो मैं सारे लड्डू अब इसी तरह से बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो लीजिए ये सौंठ का लड्डू बनकर तैयार है, सर्दियों का लड्डू, बहुत अच्छी बनी है। आप बड़ा या छोटा साइज आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, मैंने इस तरह से बनाए हैं। तो देखिए कितनी अच्छी बनी है। आप अगर कुछ बातों को ध्यान देंगे तो आपकी भी इसी तरह बनेगी। जैसे कि अगर आटा को भूने तो थोड़ा सा घी डालकर ही भूने ब्राउन होने तक। ज़्यादा अगर घी डालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, कम घी डालने के बाद घी भी कम लगेगा और आपका भुनाएगा भी अच्छा से भुनेगा। और उसके बाद गुड़ में थोड़ा सा पानी डालें, पाक करने के वक्त थोड़ा पक जाए, उसके बाद आप चेक करें पानी में। पानी में डालकर अगर उसको चेक करेंगे तो देखेंगे वो हार्ड लगने लगेगा, तो आपका गुड़ तैयार है। उसमें आप सारा मिक्सचर डाल दें, आटा वाला जो भी है, जो भी ड्राई फ्रूट्स है। मिक्स होने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लें और थोड़ा ठंडा हो जाए, ज़्यादा ठंडा ना होना दें। और बस जितना जल्दी हो सके आप लड्डू बनाएं, गरम गरम बहुत अच्छा बन जाएगा आपका इस तरह से। जैसे ही ठंडा होने लगता है तो फिर नहीं बनता है, तो उसके बाद अगर थोड़ा ठंडा भी हो जाए तो गर्म घी करके थोड़ा सा मिक्स करें, थोड़ा आग पर चढ़ा दें, तो आपका लड्डू वो भी अच्छी तरीके से बन जाएगा। तो और अपने घर में खाइए, खिलाइए, सभी को बनाइए इस ठंडी के मौसम में। तो उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तारा नूर मोदी केयर को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त।